ऐशाराम सभी भक्तों को छोटे भैया दीपक भैया का प्रणाम स्वीकार करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि आपके घर में नेगेटिविटी इतनी जल्दी क्यों आ जाती है, कैसे आ जाती है, क्या रीज़न है। ठीक है, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, इधर का भी उधर का भी, जिसने जो बता दिया वो करते हैं, उनके घर में समस्या तब भी है तो रीज़न क्या है। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिनको नहीं पता जिनके घर में कौन कौन से देवी देवता पूजते हैं, सर्वप्रथम जिनके उनके घर के कुल देवी कुल देवता कौन हैं, कौन थे, ठीक, जिन कुल देवी कुल देवता कौन होते हैं, जैसे शादी के बाद जिनके यहाँ जाना पड़ता है, जिन जिन देवताओं के यहाँ जाना पड़ता है, तो सभी के अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, किसी की कुल देवी कहीं के, किसी की कुल देवता कहीं के, वो आपको नहीं पता, आपके कोई बुजुर्ग बुजुर्ग बता देंगे। और जिसको नहीं भी पता कि मेरे ये कुल देवी या मेरे कुल देवता हैं, ठीक है ना, तो उनको मैं एक पद्धति बता दूंगा, और उस पद्धति से, उस क्रिया से आपको कुल देवी कुल देवता का आपके पता लग जाएगा। और आप फिर मुझे बता देना कि किस तरीके से उनकी पूजा पाठ होगी, तो वह सारा कुछ आपके घर में से नेगेटिविटी निकल जाएगी। ठीक है ना, होता क्या है, कुल देवी कुल देवता जब आपके घर में होते हैं तो उनकी कृपा से आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र यंत्र गणंत या फिर कोई मलिन क्रिया करता है तो काफ़ी समस्याओं को आपके कुल देवी कुल देवता खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। किस तरीके से कुल देवी कुल देवता की पूजा पाठ आप करते हो, ठीक है ना, उनका आशीर्वाद बनता है, उनका ऑरा बनता है, उनके नाम की आपके घर में एक अलग जोत जलती है, जिसके कारण आप पे किसी भी चीज़ का असर होना बंद हो जाता है। ठीक है ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज बनाए डिग्री का चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। जय श्री राम।